नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ये दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था, जो बाद में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। भारत में करीब 1 करोड़ बच्चे इस डिसऑर्डर की चपेट में हैं। जानते हैं इसके लक्षण और क्या होता है ये ऑटिज्म। आपको बता दें, ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लोगों में व्यवहार से लेकर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लोगों की स्थिति में सामाजिक स्वीकार्यता से सुधार लाया जा सकता है। ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण 1 से 3 साल के बच्चों में नजर आ जाते हैं। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये विकार सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषता है, जिसमें प्रतिबंधित और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। हर एक बच्चे में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, कुछ को सीखने समझने में भी परेशानी होती है। ये बच्चे बार बार एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। आपको बता दें, 40% ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते। औसतन 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। क्यों होता है पता नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के दौरान माँ की डाइट और जेनेटिक्स इसकी वजह हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिला को अल्कोहल और तंबाकू लेने से बचना चाहिए। ENT के अलावा साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट मददगार होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे धीरे धीरे बात को समझते हैं। ऐसे में पहले उन्हें समझाएं और फिर बाद में बोलना सिखाएं। ऑटिस्टिक बच्चे सोशल सर्कल में जाने से परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें आउटिंग पर जरूर ले जाएं। ऑटिस्टिक बच्चों से बातें करें और उन्हें किसी चर्चा का हिस्सा जरूर बनाएं। खेल खेल में उन्हें नए शब्द सिखाने की भी कोशिश जरूर करें। जितना हो सके बच्चों को तनाव से दूर रखना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।